हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त लव सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे कैसे सीखूं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि न्यूंडो फोन में कैसे सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यूंडो फोर में सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए एक न्यूंडो फोर का सेटअप चाहिए। तो आप फुल वर्ज़न इसको परचेज़ कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। यदि आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे न्यूंडो फोर मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे सॉन्ग को रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए हम अपना सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो दोस्तों, जितना आप देख सकते हैं हिंदी या भोजपुरी या और कोई मैथिली कोई सा भी लैंग्वेज का जो सॉन्ग रिकॉर्ड होता है तो वो न्यूंडो फोर में ही रिकॉर्ड होता है। और आप अभी तो कोई स्टूडियो वाले जो हैं वो क्यूबलेस भी चलाते हैं, और न्यूंडो फोर बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अधिकतर आपको न्यूंडो फोर ही मिलेंगे हर स्टूडियो में जो स्टूडियो वाले यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इस तरह का पॉपअप खुल गया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो काम है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप फाइल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या इसको आप डायरेक्ट कंट्रोल एन करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर दिया इसको ओके करके, और फिर आपको यहाँ देखिए एक इन पट्टी का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इन पट्टी पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक फिर पॉपअप विंडो खुल जाएगा और ये आपको पूछ रहा है लोकेशन ऐड करने के लिए। तो आपको लोकेशन ऐड करने के लिए यहाँ दोस्तों, अब यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे एक डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप क्रिएट एक आप जो भी सिंगर का सॉन्ग रिकॉर्ड करें या बना रहे हैं, मेरा सलाह है कि आप एक उसका फोल्डर बना दें जिसमें कि उसका प्रोजेक्ट को भी सेव करें। बाद में वो बोले सर मेरा ये वोकल में थोड़ा ऑटो ट्यूनर का आवाज़ अधिक आ रहा है तो इसको थोड़ा कम कर दे। तो यदि आप जानते हैं आपका प्रोजेक्ट सेव रहेगा तो आप बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप फोल्डर बना देंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम सिंगर का नाम दे देते हैं। चलिए मैं अपना फ़िलहाल नाम दे देता हूँ। लव सिंह, और यहाँ पे ओके कर देंगे और फिर यहाँ ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह का पॉपअप विंडो आपको शो होगा। अब आपको क्या करना है सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए, सबसे पहले आपको अपना डिवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए। डिवाइस को सेलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइस पे आपको क्लिक करना है, नीचे आना है डिवाइस सेटअप। उसके बाद डिवाइस सेटअप पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं अभी जो माइक्रोफोन से जो मेरे इसमें जो कनेक्ट है स्पीकर यूएसबी ऑडियो ड्राइवर, तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। आप जिस भी ऑडियो इंटरफेस से सॉन्ग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है, फिर आपको यहाँ नीचे ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमें सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए दो ट्रैक की आवश्यकता होती है, एक तो ट्रैक और जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो मोनो में ही रिकॉर्ड होता है। तो चलिए हम आपको ट्रैक पे भी रिकॉर्ड करके नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ सॉन्ग पे रिकॉर्ड करके बताऊंगा, सॉरी सॉन्ग नहीं, वोकल आपको रिकॉर्ड करने से बताऊंगा कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चैनल बनाते हैं दोस्तों, चैनल बनाने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। आप माउस के राइट क्लिक कीजिए या आपके लैपटॉप में जो दो बटन दिए होंगे उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ एक ओपन ओपन विंडो खुलेगा एड ऑडियो ट्रैक। तो आपको एड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सॉन्ग रिकॉर्ड करना है तो आप मोनो सेलेक्ट रहने दीजिए। यदि आप ट्रैक के लिए कर रहे हैं तो आप ट्रैक के लिए ये नीचे वाला जो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी अपना वोकल रिकॉर्ड करूँगा, तो वोकल रिकॉर्ड करने के लिए आप मुझे बोल रहा हूँ मैं आपको कि मोनो पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं वोकल अपना, तो मोनो को क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है वो चैनल एड हो गया है। आप यहां से देख सकते हैं यहां जो इसका ये जो है आप ये लाइन जो देख सकते हैं, गौर से देखिएगा, इससे इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कीजिएगा तो ये चैनल जो है बढ़ जाएगा, ठीक है।
और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस चैनल पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद पकड़ के खींच के बड़े छोटे कर सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए जिससे कि हमारा सारा बटन इसके सारे दिखे। तो दोस्तों सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए अब आपको क्या होना करना होगा, आप यहाँ से कुछ इसको रिनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ हेलो लव सी SIMG, और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ हमें याद रहेगा कि ये हमारा यहाँ पे नाम है, इस पे हम सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप जैसे कि आपको ट्रैक करना है तो आप सेम वही कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और एड ऑडियो ट्रैक, और यहाँ पे कर देंगे स्टूडियो, ओके कर देंगे, ये दूसरा आ जाएगा, और इस पे हम ट्रैक व्रैक ऐड कर सकते हैं। तो इस पे ट्रैक ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आप जिस पे ट्रैक ऐड करेंगे, तो आप इस जैसे कि मैं इस पे ट्रैक ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट, इनपुट पे आप ऑडियो देख सकते हैं, ऑडियो फाइल आया, इस पे क्लिक करेंगे और जहाँ से आपने ट्रैक ऐड किया, आपको जो सा ट्रैक चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये ट्रैक ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको ये ट्रैक ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर वहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे ये ट्रैक ऐड हो गया। सुन सकते हैं आप, थोड़ा मैं आपको सुना दूँ। तो इस तरह से ट्रैक ऐड हो जाएगा। तो आप मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, मुझे सिर्फ वोकल चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए या अपने वोकल रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए दोस्तों, ये इफ़ेक्ट का है। दोस्तों मैं इस पूरा बटन के बारे में आपको बाद दूसरा वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए बताता हूँ। तो सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का बटन है इसको अनेबल कर दीजिए। आप एक ध्यान देंगे दोस्तों एक बात का, कि ये आपका अनेबल रहना अनिवार्य है, यदि ये अनेबल नहीं रहेगा तो आपका सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ, जैसे मैं रिकॉर्ड पर क्लिक किया और यहाँ पर रिकॉर्ड अनेबल किया, तो देखिए यहाँ पर लाइन सिर्फ चल रही है, सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये अनेबल रहना अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको क्लिक करके अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जैसे आप ट्रैक ऐड करेंगे तो यहाँ से ट्रैक, आपका ट्रैक का जो BPM है उसको नाप लेंगे, कि आप FL स्टूडियो से भी उसका BPM पता कर सकते हैं, एक वर्चुअल DJ आता है उस सॉफ्टवेयर से भी आप इसका वो पता कर सकते हैं BPM। उसके बाद BPM सेट करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने मन से जितना आपका BPM देखेंगे वो सॉन्ग को जो आपको पता चलेगा यहाँ पे आप कर लेंगे, जितना आपको करना है यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। इंटर करेंगे यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप मैंने इतना सेट किया, ये सेट हो गया। तो यहाँ भी मैं 120 से रहने देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये BPM सेट होने के बाद आपको सिंपल रिकॉर्ड जो करेंगे आपको क्या करना होगा, कि आप ये देख सकते हैं ये मॉनिटर का ऑप्शन, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हेडफोन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंगर जो गाते हैं वो भी सुनते हैं और उनके कान में भी आवाज़ आती है, और एक तरफ म्यूजिक एक तरफ ये बजता है। तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आ रहा आवाज़। तो आप इस तरह का यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं। सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आपका ये अनिवार्य है, यहाँ पे रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो रिकॉर्ड पे क्लिक कर जैसे करेंगे तो सॉन्ग हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा वोकल। और आप इसको डायरेक्ट आपके कीबोर्ड में स्टार बटन होगा उसको भी दबाइएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा हमको रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त लव सिंह, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्पेस बटन दबाएंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारा बंद हो जाएगा दोस्तों, और रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग करना है तो मैं आपको बता ही दिया, वो आपको क्लिक करना है वहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आपको यहाँ से आपको क्या कहते हैं, यहाँ ये जो एरो है आपको जैसे कि आपको किधर ले जाना है वोकल पे एडजस्ट करना है, तो आप इसको उठा के यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं।
कर सकते हैं, इधर उधर करके आप एडजस्टिंग कर सकते हैं वोकल के हिसाब से। और यहाँ से देखिए आपको ये ब्लू कलर का जो पट्टी दिख रहा है, ये पट्टी पे आप क्लिक करें और आप यहाँ से वैल्यूम इसका वोकल का बढ़ा सकते हैं, और नीचे करेंगे तो ये कम होगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से वैल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अपना वैल्यूम आप देख सकते हैं, ये चैनल ट्रैक है, जैसे इसको क्लिक करेंगे ये चैनल आपका खुल जाएगा। और ये अभी रिकॉर्ड का है तो हम इसको कम कर देंगे तो ये कम होगा, आवाज़ करेगा। इसको अधिक करना है तो फिर यहाँ से अधिक कर सकते हैं आप, ठीक है, अधिक कर दीजिएगा, अधिक हो जाएगा। चलिए थोड़ा रिकॉर्ड सुना देते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त लव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि हमारी दोस्तों। तो ये सुना आपने कि कैसे हम निंडो 4 में सॉन्ग या वोकल को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।